अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली इविल रॉड और मम्मी का पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देख ले, नहीं तो ये आपको स्टोरी पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आने वाली है। तो पिछले पार्ट्स में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली सॉन बाबा के साथ मिलकर जंगल में घूमने जाने वाले होते हैं, लेकिन बाबा को काफी देर हो जाता है। अभी गुल्ली बोलता है अगर बाबा और लेट करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। तब तक बाबा अपने ड्रैगन पे बैठकर वहां आ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं जल्द से जल्द बैठ जाओ, रात होने वाली है और मैं तुम लोगों को आज एक ऐतिहासिक जगह पे ले चलने वाला हूँ। फिर वो लोग ड्रैगन पे बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर वो लोग जंगलों के बीच में एक गाँव होता है, वहां पहुंच जाते हैं और बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली सॉन ये मेरा गाँव है। फिर गुल्ली बुल्ली सॉन और बाबा वहां पर डांस करने लगते हैं। डांस करने के बीच में ही मम्मी सॉन को लेके गायब हो जाती है और फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं। फिर मम्मी आके कहती है क्या बात है, लगता है मुझे काफी शिकार आज मिल गया है। ना कहने के बाद मम्मी वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। फिर बाबा ड्रैगन को बोलते हैं ड्रैगन तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ और जैसे ही मैं तुम्हें आदेश दूँ तुम वापस चले आना हमें ले चलने के लिए। फिर ड्रैगन वहाँ से उड़ के चला जाता है और फिर वहाँ पर इन तीनों को ले चल के वहाँ पर धीरे धीरे मैं इन तीनों को मार डालूंगी। फिर गुल्ली बुल्ली वहाँ पर रॉड को बुला देते हैं और रॉड आते ही बर्फ के शील्ड से मम्मी को कैद कर देता है और मम्मी का ये हाल देख के इविल रॉड के छक्के ही छूट जाते हैं। फिर रॉड जैसे ही इविल रॉड को अपने बर्फ में कैद करने वाला होता है, इविल रॉड वहां से तुरंत फरार हो जाता है और अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली बोलता है अरे यार रॉड अब हम क्या करें, ये इविल रॉड तो यहाँ से भाग निकला, हमें कैसे भी उसे मारना होगा क्योंकि मुझे तो अब नहीं लगता कि ये मम्मी तुम्हारे जादुई बर्फ से बच पाएगी कि ये तो उसके अंदर हिल भी नहीं पा रही है तो निकलेगी कहाँ से। तो अब हमारे पास बस एक ही चारा बचा है और वो है इविल रॉड। फिर हमें कैसे भी इविल रॉड को ढूंढना होगा और उससे पता लगाना होगा कि वो सॉन को लेके कहाँ गया है। फिर बुल्ली कहता है हाँ यार गुल्ली हमें कैसे भी करके इस इविल रॉड का पता लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर ये हमें नहीं मिला तो फिर सॉन का भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और सॉन को हम कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर रॉड हंसने लगता है और कहता है अरे बच्चों शांत हो जाओ, इविल रॉड यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आज भाग जाता है तो कल मैं उसे जरूर ढूंढ के मार दूंगा और उसे अपनी मौत का बहुत ही ज्यादा डर है, वो भाग कर कहीं भी नहीं जाएगा और वो यहीं पर आएगा तो तुम लोग थोड़ा सा शांत हो जाओ और देखो मेरे तीन गिनते ही यहाँ पर इविल रॉड कैसे आकर अपना हाजिरी देता है, एक दो और ये तीन। और वहां पर तुरंत इविल रॉड आ जाता है और वो अपने साथ में सॉन को भी ले आता है। फिर इविल रॉड रॉड से कहता है रॉड मैं तुम्हारे इस बच्चे को लाने गया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसे नहीं लाऊंगा तो तुम मुझे जिंदा यहाँ से नहीं जाने दोगे, तो ये लो ये है तुम लोगों का दोस्त, अब मुझे यहाँ से जाने दो रॉड और मुझे मत मारो। फिर रॉड बोलता है इविल रॉड मुझे माफ करना लेकिन मैं आज मैं तुम्हें जिंदा जाने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरी और तुम्हारी दूसरी टकरार है और पहले बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। तक बाबा को होश आ जाता है और बाबा उठ के खड़े हो जाते हैं और बाबा कहते हैं मुझे पीठ पीछे किसने मारा था। फिर गुल्ली बोलता है बाबा आपको उस इविल रॉड ने पीठ पीछे वार किया था। बाबा कहते हैं अरे ओ इविल रॉड अगर तुमको मुझे मारना ही था तो सामने से आके मारते, ये कायरों की तरह क्यों मारते हो, तो आ जाओ अब देख ही लेते हैं कि सामने सामने की वार कैसा होता है। फिर इविल रॉड बोलता है बाबा बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता लग चुका है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। और फिर रॉड कहता है नहीं नहीं इविल रॉड तुम्हें आज मरना ही होगा। इतना बोलते ही बाबा इविल रॉड पे हमला मोल देते हैं और जैसे ही बाबा का पहला मुक्का लगता है इविल रॉड को, इविल रॉड दूर जाके गिर जाता है और बाबा कहते हैं बस इतनी ही थी ताकत, इतनी ही ताकत पे तुम उड़ रहे थे। और इविल रॉड को भी अचानक से गुस्सा आ जाता है और इविल रॉड उठ खड़ा होता है और कहता है अब देखो अब मैं क्या करता हूँ। और जैसे ही इविल रॉड बाबा पे हमला करने जाता है इधर से रॉड अपनी बर्फ की शक्तियों से इविल रॉड को भी बर्फ बना देता है और उसके बाद इविल रॉड उस बर्फ में फंस जाता है। फिर बाबा कहते हैं रॉड तुमने इसे क्यों मारा, इसे तो मैं मारना चाहता था क्योंकि ये मेरा शिकार है। फिर रॉड बोलता है बाबा बाबा अगर आप पर कोई भी हमला करेगा तो उसे सबसे पहले मेरे से होके गुजरना होगा, तो आप पर मेरे सामने कोई कैसे हमला कर सकता है और आप क्या चाहते हैं मैं उसे जिंदा छोड़ दूं। नहीं नहीं बाबा
मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। फिर बाबा हंसने लगते हैं और कहते हैं, मुझे पता है रॉड, तुम्हारे होते हुए मेरे पे कोई भी हमला नहीं कर सकता है। फिर बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली सोन, चलो फिर चले यहाँ से या और तुम लोगों को घूमना है। फिर गुल्ली बोलता है, हाँ हाँ बाबा, अभी हमें और घूमना है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। फिर ये लोग डांस शुरू कर देते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।